गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपको स्टडी जीरो टू हाई लेवल चैनल पे स्वागत है आप लोगों का बहुत बहुत। दोस्तों ये चैनल नया है, आज हम लोग न्यूमेरिकल लेकर आए हैं लीनियर मोशन का। आपको दोस्तों ये लीनियर मोशन में आपको जीरो से हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। आपको ये भी लीनियर मोशन का 3-4 पार्ट में वीडियो मिलेगा, जो कि आज पहला पार्ट का वीडियो है। ठीक है दोस्तों, आज हम लीनियर मोशन का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसका कुछ थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। उसका थ्योरी 3 तरह से है दोस्तों, उसको हम बोर्ड पे डिस्कशन कर लेते हैं और आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। रेखीय गति, आज का चैप्टर होगा दोस्तों रेखीय गति लीनियर मोशन। आइए करते हैं इसका डिस्कस। दोस्तों इसमें रेखीय गति में 3 तरस होता है। एक तो क्षैतिज होता है, जो कि क्षैतिज सीधे चलते हैं, और एक ऊपर से नीचे कोई वस्तु गया, फिर अगर नीचे से ऊपर गया। तीनों का अलग अलग फार्मूला है, आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको बोला जाए क्षैतिज में कोई चल रहा है कोई चीज, तो क्षैतिज के लिए आपको हो जाएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ आपको एस का मतलब हो गया विस्थापन या ऊंचाई, एस का मतलब हो गया। और यू आपको यहाँ प्रारंभिक वेग हो गया, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और ए आपको त्वरण हो गया। दूसरा फार्मूला इसका आता है भी बराबर यू प्लस ए ट्री, और तीसरा फार्मूला है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और चौथा फार्मूला इसका है एस एन, यानी जब सवाल ने बोले एनवे सेकेंड में तय की गई दूरी, तो एस एन बराबर यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ये हो गया दोस्तों, अगर क्षैतिज में सवाल कोई दिया हुआ है तो उसके लिए ये आपको फार्मूला यूज करना है। अगर आपको उदग्र यानी नीचे से ऊपर कोई वस्तु फेंका गया, अगर ऊपर से नीचे फेंका गया तो उसके लिए अलग है, आपको दिखा दे रहे हैं, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा उदग्र के लिए। अगर वस्तु नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, अगर नीचे से ऊपर फेंक रहे नीचे से वस्तु को, तो आपको फार्मूला यही रहेगा, केवल आपका साइन यहाँ चेंज लगा है। यहाँ एस बराबर हो जाएगा आपको यू टी माइनस, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और हाफ और ए की जगह आपको जी हो जाएगा। यहाँ लिख दे रहे हैं ए बराबर जी हो जाएगा, यहाँ माइनस में हो जाएगा ए बराबर जी, अगर नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो हाफ जी टी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला आपको हो जाएगा बी बराबर यू माइनस जी टी। तीसरा हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एस, और एस एन एनवी सेकेंड वाला फार्मूला जो है तीनों में सेम रहता है, इसमें प्लस माइनस कुछ चेंजिंग नहीं होता है। उसका हो जाएगा एस एन बराबर यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। अगर वस्तु ऊपर से नीचे गिर रहा है, यहाँ ये वाला फार्मूला आपको नीचे से ऊपर का, अगर वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे, तो फार्मूला आपको यही रहेगा, आपको साइन यहाँ पे एस बराबर यू टी प्लस के जगह आपको माइनस की जगह आपको प्लस हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ आपको ए बराबर जी हो जाएगा प्लस में, भी बराबर यू प्लस जी टी हो जाएगा, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एस हो जाएगा, एस एन बराबर इसमें तीनों में इसे में फार्मूला लगता है यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। दोस्तों ये सारे ये फार्मूला है, आपको ये फार्मूला के अतिरिक्त और कुछ नहीं पढ़ना है। सारे सवाल जितने लीनियर मोशन का आएंगे रेखीय गति से इसी पे बनेंगे, आपको आप इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं।
स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों, हम मिटा देते हैं। आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। दोस्तों इसमें ये फार्मूला एक आध और है जो पूछा आता है, अगर पूछे औसत चाल पूछेगा, औसत चाल बराबर होता है दोस्तों, औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय होता है। अगर आपको त्वरण पूछे ए, अगर आपको त्वरण पूछे ए पूछ रहा है तो आपको हो जाएगा अंतिम वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। बट्टा समय होता है जहां अंतिम वेग को हम वी से डिनोट करते हैं और प्रारंभिक वेग को हम यू से डिनोट करते हैं, समय को टी से डिनोट करते हैं। तो ए बराबर आपको हो जाएगा फाइनली माइनस यू बाय टी हो जाएगा। ये आपको त्वरण निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा, आपको नोट करवा दे रहे हैं। नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। पहला, अगर किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो अंतिम वेग जीरो हो जाता है, यहाँ भी बराबर आपको जीरो हो जाएगा, भी बराबर जीरो हो जाएगा। दूसरा, अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो प्रारंभिक वेग जीरो हो जाता है। और इसमें एक पॉइंट और है, अगर किसी वस्तु को ऊपर या नीचे फेंकने में जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना समय आपको नीचे आने में भी लगता है। ठीक है दोस्तों, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और है एक समान वेग रहने पर त्वरण आपको शून्य हो जाएगा, त्वरण आपको शून्य होगा दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन की दुनिया में ले चलते हैं। दोस्तों इसको मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये दोस्तों आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा पुनः उसी स्थान पर वापस 50 किलोमीटर की चाल से आती है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात करें। इसका फार्मूला है आपको दोस्तों, कुल दूरी बटा कुल समय। अब
दूसरे सवाल करते हैं, कह रहा एक स्थान दूसरे स्थान जाने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे, इसका ऐसे बनाते हैं दोस्तों 2 × 60 × 50 / 60 + 50, ये हो गया आपको 2 × 60 × 50 / 110, 6×5 = 300 × 600 / 600 / 11 हो जाएगा इसका आंसर। इसके ऑप्शन में 600/11 तो नहीं है, इसका नॉन ऑफ डीज हो जाएगा, डी नॉन ऑप्शन हो जाएगा, नॉन ऑफ डीज। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, कोई पिंड भी वेग से ऊपर फेंका जाता है, एच ऊंचाई पर जाने के बाद पुनः पृथ्वी पर लौट जाता है, पिंड द्वारा तय दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। इसमें पूछ रहा है दूरी बटा विस्थापन क्या होगा, इसमें ये सवाल में कह रहा है। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, एच ऊंचाई पर जाने के बाद पुनः पृथ्वी पर लौट जाता है, तो हम लोग पहले बता दिए थे जितना समय जाने में लगता है उतना समय वापस आने में लगता है, तो यहाँ हो जाएगा 2h हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, और यहाँ विस्थापन हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत हो जाएगा, इसका आंसर अनंत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल नंबर 2 का आंसर है। अगला सवाल कह रहा है, एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकेंड का समय लेता है, तो भवन की ऊंचाई क्या करें। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन करने से पहले हम उसका डाटा लिखेंगे, फिर डाटा हम देखेंगे क्या क्या गिवन दैट है और क्या निकालने के लिए कह रहा है। आइए पहले इस क्वेश्चन का डाटा हम लिखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर, तो यहाँ आपको यू का मान 0 हो जाएगा, जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरा जाता है तो यू का मान वहाँ 0 हो जाता है, छोड़ने पर सतह तक गिरने में 4 सेकेंड का समय लेता है, तो यहाँ टी बराबर आपको 4 सेकेंड हो जाएगा। और कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, एस पूछ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन में जो आंसर में दिया हुआ है इसमें सारा ऑप्शन दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है, यहाँ हमको जी का मान जो है 9.8 लेना होगा, ये आपको देखना पड़ेगा दोस्तों अपने अनुसार, जी का मान 9.8 ले या 10 ले, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लेना पड़ेगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें आपको यू भी है, टी भी है, एस भी है, जी भी है, तो देखिए इसमें कौन सा फार्मूला आपको इसमें सेट होगा, इसमें U भी है, T भी है, S भी है, आपको एक नंबर का फार्मूला इसमें सेट होगा। फार्मूला एक नंबर क्या है, S बराबर यू टी प्लस हाफ, A के बदले में यहाँ पे G हो जाएगा, जी टी स्क्वायर। आइए सेट करते हैं इस पर फार्मूला पे, S बराबर U का मान तो 0 हो गया, T का मान हो गया 4 + ½, G का मान 9.8 और टी यहाँ पे 4 सेकेंड, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। इसको करने के बाद दोस्तों इसको काटेंगे 8 × 9.8 × 8 करेंगे तो आपको इसका आंसर हो जाएगा 78.4 हो जाएगा। दोस्तों इसका कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, 78.4 मीटर हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बगल हो जा रहे हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। इनके बाहर दोस्तों एक भी सवाल नहीं आएगा, आपको एनटीपीसी और रेलवे का जो है जितना भी लेन मोशन का चैप्टर का सवाल होंगे आप पलटा के देख लीजिए, इनसे बाहर आपको एक भी सवाल नहीं आएंगे और यही फार्मूला का आपको सारा सवाल बनेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कण अस्थिर अवस्था में आरम्भ कर 8वें सेकेंड में 120 मीटर दूरी चलता है, तो इसका त्वरण क्या होगा। इसमें डाटा दिया हुआ दोस्तों, इसमें पूछ रहा है SN का फार्मूला इसमें लगेगा दोस्तों। इसमें कह रहा है यदि एक कण अस्थिर अवस्था, यानी कि अस्थिर अवस्था हो गया तो प्रारंभिक वेग यहाँ पे 0 हो जाएगा, जहाँ जब भी बोले अस्थिर अवस्था तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, और बोले ब्रेक गाड़ी में लगा दिए तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा, तो यहाँ प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। कह रहा है आरम्भ कर 8वें सेकेंड, टी बराबर 8वें सेकेंड
120 मीटर दूरी चलता है, तो SN बराबर हो गया आपको 120 मीटर दूरी चलता है, तब इसका त्वरण क्या होगा, त्वरण क्या होगा, ये बराबर भार। तो उसमें ये वाला फार्मूला सेट कर देंगे आपको बन जाएगा। आइए इसमें सेट कर देते हैं, SN बराबर U प्लस A बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। सेट करते हैं दोस्तों, U का मान यहाँ जीरो है, SN बराबर आपको 120 दिया हुआ है सवाल में, और ये हमको निकालना ही है। यहाँ एनवे सेकंड कितना है, 8 है, तो यहाँ 2 में 8 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा, 16 में 1 सेकंड आएंगे 15 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको यहाँ से करने के बाद इसको कैलकुलेशन कीजिए, 15 × 8 = 120, यू बराबर आपको हो जाएगा 8 × 16, सॉरी ए बराबर आपको हो जाएगा 8 × 16, आपका त्वरण 16 मीटर हो जाएगा, 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले जाके आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। सुन, अभी एक बार में तीनों फोटो ले लिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, नोट भी कर लिए होंगे। आइए इसको मिटा देते हैं और अगला सवाल में आते हैं। आप लोग दिल थाम के बैठिए और सवाल को हल कीजिए, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगला सवाल है, एक लड़का एक गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है, यदि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, जी नहीं होगा यहाँ पे दोस्तों, ए होगा दोस्तों, आप यहाँ काट के ए लिख लीजिएगा, ए बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई पूछ रहा है यहाँ पे, गेंद द्वारा ऊंचाई एस पूछ रहा है यहाँ पे कितना होगा। आइए डाटा लिख लेते हैं दोस्तों, यह कह रहा है एक लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से ऊपर की ओर गेंद फेंकता है, दोस्तों यहाँ जी के जगह आप लोग यू कर लीजिएगा, यहाँ पर ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ पर वी बराबर जीरो हो जाएगा दोस्तों, और यू बराबर आपको दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, और जी बराबर आपको लेना होगा यहाँ पे ऑप्शन अकॉर्डिंग 10 लेना होगा, 10 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ एस पूछ रहा है, एस बराबर वाट, इसका फार्मूला आपको ये पता लग जाएगा, यहाँ पर अगर नीचे से ऊपर जा रहा है इसमें माइनस हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एस, यहाँ वी आपको दिया हुआ है जीरो है, यू आपको दिया हुआ 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, माइनस टू जी आपको दिया हुआ है 10, एस निकालना है तो दोस्तों यहाँ 100 को इधर लाएंगे, 100 यहाँ 10 दुना का 20 हो जाएगा, 20 एस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ वेरिएबल नहीं करता है दोस्तों, और यहाँ 20 को यहाँ काटने के बाद एस बराबर आपको हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा, ऊंचाई आपको 5 मीटर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग दोस्तों और नोट भी कर लीजिए दोस्तों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटा देते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है, यदि 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। दोस्तों सवाल में कुछ नहीं रखा हुआ है, यू बन जाएगा, देख लीजिए क्या करें, डाटा लिखिए बस, सवाल बनाइए, फार्मूला भी सेट कीजिए। एक पिंड को ऊपर मीनार से गिराया जा रहा है, मीनार से भी गिराया जाएगा तो इसका प्रारंभिक वेग जीरो हो जाएगा, यू बराबर जीरो हो जाएगा, और समय इसमें दिया हुआ है 4 सेकंड दिया हुआ है, और पूछ रहा है इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, एस बराबर वाट पूछ रहा है, इसमें ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन अकॉर्डिंग आपको जी का मान लेना है, इसमें जी का मान 10 लेंगे क्योंकि इसमें पॉइंट में कोई आंसर नहीं दिया हुआ है। तो आइए फार्मूला पे सेट करते हैं, इसमें एक नंबर का फार्मूला लगेगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू आपको दिया हुआ है 0, टी 4 है, हाफ जी आपको 10 है, टी आपको दिया हुआ है 4 सेकंड, 4 × 16, ये आपको हो गया 5, 16 × 5 = 80, आपको ऊंचाई हो जाएगा एस बराबर 80 मीटर हो जाएगा।
ठीक है दोस्त, इसका आंसर 80 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, एक सेकंड के लिए साइड हो रहे हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक टावर से शून्य की गति से फेंका गया पत्थर जमीन पर 4 सेकंड में पत्थर गिरेगा, तो टावर ऊंचाई क्या होगा। इसलिए सेम सवाल है दोस्तों, यही फार्मूला लगेगा, ये आपको दो सवाल हो गया हल कर देते हैं। एस पूछ रहा है इसमें, ट्री दिया हुआ है, 4 सेकंड दिया हुआ है, और टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, और यहाँ पे जी आपको 10 लेना होगा, प्रारंभिक वे आपको 0 हो जाएगा। तो वही फार्मूला लगेगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जू आपको दिया हुआ 0, टी है आपको 4 प्लस हाफ, जी हो गया 10, टी स्क्वायर हो गया आपको 16 हो गया, बराबर 80 मीटर हो गया दोस्तों। ये आपको रिपीटेड सवाल हो गया दोस्तों। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, इनको आप लोग लिख लीजिएगा, सवाल रिपीट हो गया कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल है, एक कार की गति 20 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक बदल रही है, तो इसका त्वरण क्या होगा। वह है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर में बदलेंगे तो 20 × 5/18 हो जाएगा, और अंतिम एक भी बराबर दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदल लेंगे तो 50 × 5/18 हो जाएगा, और इसमें समय दिया हुआ है, समय इसमें 20 सेकंड दिया हुआ है, पूछ रहा है ए का मान पूछ रहा है, ए बराबर होता है वी माइनस यू बटा टी, तो वी आपको यहाँ हो गया 2800/18 माइनस 100/18, तो टी आपको दिया हुआ 20, ये आप करने के बाद 250 में 100 हो गया, 150/18, ये आपको 20 को लगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 150/360, ये आपको हो जाएगा 3×5=15, 12×3=36, ये आपको हो जाएगा 0.12×48, 2×12=5/12, 12×48 हद में 2×12 0.41 के समथिंग आपके इसका आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कह रहा है, किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है, तो कितने समय बाद वेग दोगुना हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों डाटा जो दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग यहाँ पे दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, यू बराबर 100, और ए बराबर आपको दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पूछ रहा है वेग इसका 0 दिया हुआ है, वेग इसका हो जाएगा v बराबर 0 हो जाएगा, और पूछ रहा है कितने समय बाद ये जो वेग जो है 2b हो जाएगा, वेग v से 2b हो जाएगा। दोस्तों इसे फार्मूला लग जाएगा आपको, v बराबर u प्लस at वाला फार्मूला लग जाएगा, v बराबर u प्लस at, भी आपको दिया हुआ है 2b, कितने समय वेग दोगुना हो जाएगा, और यू आपको दिया हुआ है 100 प्लस ए आपको दिया हुआ है 10, तो टी निकालना है,
यहाँ पे दोस्तों बी जो है 200 हो जाएगा, बी बराबर 200 हो जाएगा। तो ये 100 इधर आएगा, तो 100 200 में 100 100 हो जाएगा, यहाँ 10 टी हो जाएगा। अब इसको इधर काटेंगे तो टी बराबर आपको यहाँ 10 सेकंड हो जाएगा। 10 सेकंड में वेग इसका दोगुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, अगले भाग में इसका पूरा नहीं पड़ेगा, इसका कम से कम 2-3 पार्ट लेकर आना पड़ेगा, तब जाके रेखीय गति आपका कंप्लीट होगा। तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, अगर समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के बीच ये वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले सेशन में, मिलते हैं, थैंक यू।